हेलो एवरीवन। तो मेरे पास बहुत सारे कबाड़ पड़े थे, कुछ डब्बे थे, कुछ मटके थे और नारियल का खोल था। उस सबको मैंने लिया है और सबसे पहले येलो कलर से पेंट कर दिया है। तो आज हम इस सब का प्लांटर बना रहे हैं। और इसी तरीके से एक ये पुराना नारियल था सूखा हुआ, जो कि नारियल डाब का था, तो उसे भी मैंने येलो से पेंट कर दिया है। अब बारी है इन सब की डिटेलिंग करने की। तो मैं इमोजी बना रही हूँ, जो भी मुझे समझ में आ रहा है, क्यूट सा, प्यारा सा। तो इस तरीके से मैंने सब पे इमोजी बना लिया है एक एक करके। तो करने में करीबन मुझे 2 दिन तो गया, क्योंकि ये मैंने प्लास्टिक पेंट लिया है, जो कि सूखने में कम से कम 2 दिन तो गया है, 24 आवर से ज़्यादा टाइम गया है। तो सूखने के बाद हमने इस पर डिटेलिंग किया है, और डिटेलिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। जो भी मुझे समझ में आया वो हमने और मिलके किया है। ठीक इसी तरीके से मटके को भी येलो कलर से पेंट करने के बाद इसे थोड़ा स्पिरिचुअल लुक दे रही हूँ, जो कि ओम बना रही हूँ। ओम के साथ स्वास्तिक बनाया है और ये लगभग रेडी हो गया है। और करते करते मुझे रात हो गया था, तो ये मुझे पेंटिंग करने में मुझे मैंने रात में करी है। और ये कोकोनट का जो सेल है उस पर भी मैंने इमोजी टाइप बनाया है, एक गॉगल्स लगाया हुआ। तो ये भी बहुत ही क्यूट लग रहा है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगा। तो अब ये है फाइनल लुक। तो इस मटकी में मैंने थोड़ा सा मिट्टी और कोकोनट का ही डाला है सूखा वाला, और तुलसी डाल करके इसमें तुलसी प्लांट किया है। तो इस तरीके से मैंने सारे रेडी कर लिए हैं प्लांटर्स, वो भी फ्री में, जो भी हमारे पास कबाड़ होते हैं उससे। और कोकोनट सेल में भी मैंने मिट्टी अंदर डाला है, और मनी प्लांट जो कि मेरे पास था उसे प्लांटेशन किया है इसके अंदर। तो होप आज का आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा प्लांटर सबसे अच्छा लगा। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।